हेलो इब्रान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं, अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है, या फिर दिल की बात नहीं कह रहे, तो इन मैसेजेस के थ्रू वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, एडिक्टेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, पेशेंस, और देखो रहे हैं डी कॉम्प्लेशन, वन साइडेड लव, और अगेन तो कार्ड सोलमेट एंड ओपन योर हार्ट। मैसेजेस काफ़ी आए हैं और मैं लेना चाहती हूँ लॉयल्टी। लॉयल्टी की एक बेसिक एनर्जी तो ज़बरदस्त है, और कहीं ना कहीं इन्होंने, जैसे मैंने शाम की रीडिंग में फील किया था ना, कुछ तो है जो इनको ना अंदर से तोड़ रहा है। फिर वो किसी का धोखा हो, या फिर कर्मा हो, या फिर किसी के लॉस की फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इनकी हालत में बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी तो है, कहीं ना कहीं एक विश्वास का भी अंत हुआ है, कुछ ठेस तो पहुँची है। जो आपके साथ हुआ उनके साथ हो रहा है, कर्मा की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सो आपको तो याद किया जा रहा है, एक है दुख में, एक है दर्द में, और एक है रोमांटिक फीलिंग में। है तो सही, दिल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्योंकि कभी कभी है ना कि जैसे कुछ लोगों में मैंने देखा है कि जब वो धोखा खाते हैं, दर्द झेलते हैं ना, तभी उनको असली प्यार का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कि एक असली प्यार, असली इंसान की पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है, और एक सडन रियलाइजेशन होता है कि यार मैं अपने पास जो था, मतलब मेरे पास एक गोल्ड था और मैं चमकते चीज़ों के पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, ऐसे फीलिंग आ जाती है। आपके लिए ना एक फीलिंग ही अलग ही है, आपके लिए एडिक्टेड फीलिंग है बहुत ज़्यादा, मतलब एक रोमांटिक फीलिंग है बहुत ज़्यादा, कि जिस ना एक प्यार वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि ये इंसान मेरा है, मैं इसे पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली, एक सोल टू सोल बात तो हो रही है, एक सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं दोनों भी आप। स्पेशली ये एक तरह से ना एक सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके ना कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा एक सोल से कनेक्टेड है, चाहे वो नाम नहीं पता, बस एक फीलिंग्स है, एक स्ट्रांग फीलिंग्स है। ये बहुत गहरी सोच में है, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है, और जैसे ना अकेले पड़ जाना या अकेले रहना पसंद करना ये फील करते हैं, और पॉसिबल है कि अकेले में रोते भी हैं, जैसे मैंने फील किया था। और ये आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में देख रहे ना कि ओपन योर हार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अनजाने में सही या जान के सही अपना हार्ट क्लोज कर दिया है, आपने एनर्जी देना बंद किया है, क्योंकि आप चाहते हुए भी समटाइम्स आप एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपके पास भी मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये इंसान ना सामने आ रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना क्लियर कर रहा है, तो आप भी क्या करें। इट्स नॉट अबाउट टिट फॉर टैट और समथिंग, आपको क्लैरिटी ज़रूरी नहीं हर चीज़ हो। ये भी रीज़न आपके हो सकते हैं कि आपको भी न्याय चाहिए, आपको भी समझना है, पहले तो आओ तो सही, बात तो करो, लेकिन कुछ नहीं होने की वजह से आप भी थोड़ा गुस्से में, चिड़े हुए और दर्द में हो, वो भी हो सकता है। बट समाव आपको एनर्जी देने का मन नहीं कर रहा है, अनजाने में सही, ये भी हो सकता है। सो देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसमें उन्होंने धोखा खाया हो या कंट्रोलिंग हो, वो भी है, इसलिए एक पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कि जैसे ना अपने आप को कंट्रोल लेके इंसान बैठा हुआ है, कि जैसे हालात ठीक हो जाए, हालात निबट जाए, तूफान गुजर जाए, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो लेकिन कैसा है ना कि कुछ वक्त, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि इंसान अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पाता, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, इन्हें सोशल फियर है, और कुछ तो है आपके कनेक्शन में ऐसा है जो सोशल फियर क्रिएट कर रहा है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, इनके दिल की ख्वाहिश करें तो इनका कहना है कि भले उनको सोशल फियर है आपके पास आने में, आपके सामने आने में, लेकिन अभी कोई और मायने नहीं रखता। मैंने कहा ना कि इनका सडन रियलाइजेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, बट अभी ना आप इम्पॉर्टेंट हो। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्नड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, आपका होना जिंदगी में, एक लाइफ में ना एक अलग ही मुकाम लेके आया है,
ये ऐसा उनका मानना है, यू इंस्पायर मी। जिस तरह से आपकी एनर्जी है ना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लव, आप उनकी केयर भी करते हो, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी हो, कि आप हमेशा मोटिवेट करते हो कि मैं करना है, हो जाएगा, कर लेंगे, ये भी तूफान निपट जाएंगे, ऐसा वाला चीज़ है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। इन्हें पता है कि एक्शन तो लेने पड़ेंगे। मेक द एफर्ट की एनर्जी भी थी कि जैसे आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव थ्रू एक्शंस। उनको अभी पता है कि आपके पास आना, या आपको भले आप कुछ बोले या ना बोले, अगर बोले भी हैं तो आपको एक्शन से वो प्रूव करना पड़ेगा, या नहीं भी बोले हैं तो उनको भी अपना मन कह रहा है कि नहीं, ये इंसान को हम कितनी वक्त तक ऐसे ही रख सकते हैं, भले वो कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद तो होती है ना। आई लव वेन यू फ्लर्ट विथ मी। आपका रोमांटिक अंदाज, आपका फ्लर्ट करना, इनको इम्पोर्टेंस देना, ये भी बहुत मिस किया जा रहा है। आई रियली हैवन बीन हैप्पी विदाउट यू। बात नहीं हो पा रही है, क्लियर नहीं है सब कुछ सिचुएशन, फिर भी आपके बगैर बिल्कुल खुश नहीं है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। कुछ तो है जो इनकी दर्द का वजह बना हुआ है, और उनको पता है कि उनकी अगर खुशी है, उनकी स्माइल है, वो आप ही के पास है। इनकी मतलब ये आपसे ही हो सकता है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मैंने कहा ना कि रिलेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनको ना कहीं से अंदेशा हो रहा है कि आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, खास करके सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। आपको एक बार देखना है। यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आई विल नेवर लव यू अनदर आई आई लव यू। ये किसी और से प्यार नहीं कर पाए, नहीं कर सकते। जिस तरह से आपसे प्यार है, या आपके आपके साथ एक अलग ही बॉन्ड फील होता है, अलग ही कनेक्शन फील होता है, और इन्होंने शायद कोशिश भी की है लेकिन बुरी तरह फंसे हैं। अभी ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपका प्यार, आप और आपसे वो प्यार करते हैं, ये चीज़ें किसी और के साथ फील ही नहीं हुई और ना ही हो सकती हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।